हेलो एवरीवन तो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा गिली गिली छू चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर का सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री सबसे पहला अगर इस

टू वेरिएबल आपको दोनों तरीके से इसको क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है शुरू करें तो देखो क्या है क्वेश्चन है गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ तो y 3 के लिए हमारे पास केवल एक एक ही एक ही लाइन होगी कार्टिशियन प्लेन पर कितनी लाइन होगी एक कौन सी होगी वाई तो हमें वाई एक्सिस बनाई ठीक है ऑर्डिनेट बनाया और यहां पर हमने लिखा पहला तो क्या ले ली, ली हमने जीरो फिर ले लिया वन ले लिया टू फिर ले लिया थ्री फिर ले लिया फोर फिर ले लिया फाइव और यहां ले लिया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर टू थ्री पर हमारे हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन वेरिएबल इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब हमें करना है इन टू वेरिएबल अगर हमको दो वेरिएबल में करना है तो क्या करेंगे क्या यहां पर y है हां सर है क्या x है नहीं है सर तो क्या करें x ले आओ मान लीजिए इमेजनरी एक x लेके आ गए तो आ गया x प्लस वाई बराबर थ्री क्या एक्स प्लस वाई बराबर थ्री लेकिन अभी आप बोल रहे थे सर y बराबर थ्री क्वेश्चन में तो चेंजेस हो जाएंगे आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया अगर एक्स ले आए तो एक काम करो अगर एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई कर दू अगर x को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे जीरो इंटू एक्स जीरो जीरो प्लस वाई बराबर थ्री Why बराबर थ्री अभी भी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है बस रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया है मेरा जो वजूद है मेरे जो इंसान हूं वो अलग हूं नहीं हूं मैं एक ही इंसान हूं बस मेरा पार्टी में जाना और घर में रहने का जो ड्रेसअप है वो चेंज हो गया तो अभी यहां ड्रेसअप चेंज हो गया यहां ड्रेसअप कैसा है इक्वेशन इन वन वेरिएबल का और यहां ड्रेसअप कैसा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अब ड्रेसअप चेंज तो ग्राफ चेंज अभी ग्राफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था अब ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा मैंने बताया था ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन ऑन अ प्लेन अगर मैं उसको वन वेरिएबल के टर्म्स में समझ रहा हूं तो वो एक पॉइंट डिनोट करेगा लेकिन अगर टू वेरिएबल के टर्म्स में समझ रहा हूं तो वो क्या डिनोट करेगा एक लाइन शुरू करते हैं देखते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा सबसे सबसे पहले सब पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है सर बना लेते हैं ये हो गया जीरो के बाद वन टू थ्री फोर और फाइव बहुत शानदार फिर ये हो जाएगा माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू ये हो जाएगा माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस फोर यह हो जाएगा माइनस फाइव बहुत शानदार फिर ऊपर की तरफ जाओ तो आएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा फोर शानदार फिर हमने कहा कि भाई ये हो जाएगा माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू ये हो जाएगा माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस फोर यह हो जाएगा माइनस फाइव अब हमारे पास इक्वेशन क्या है जीरो एक्स प्लस वाई बराबर थ्री अब इक्वेशन ये है हमारे पास ध्यान रखना अब हमें इस इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तीन मिनिमम पॉइंट चाहिए चलो देखो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई अब एक्स की कुछ वैल्यू होना चाहिए जिस पर वाई की कुछ वैल्यू होगी अब ध्यान से देखना चलो एक्स की वैल्यू वन रखो तो वन इंटू जीरो 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 प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री तो अगर एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू कितनी है थ्री एक्स की वैल्यू टू ले लो टू इंटू जीरो 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 प्लस वाई 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 टू थ्री जब एक्स की वैल्यू टू है तो वाई की वैल्यू अभी भी कितनी है थ्री चलो एक काम करो एक्स की वैल्यू थ्री लेके देख लो भाई साहब थ्री जीरो जीरो अबे देखो ना जीरो इंटू थ्री प्लस वाई बराबर थ्री जीरो थ्री जा, जीरो प्लस वाई बराबर थ्री तो कितना आ जाएगा वाई बराबर थ्री इसका मतलब यह है कि अभी भी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब एक्स की वैल्यू थ्री है तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी थ्री वाई की वैल्यू की वैल्यू फोर पर भी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री एक्स की वैल्यू माइनस वन पर भी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री इसका मतलब यह है कि एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू पर वाई की वैल्यू कितनी होगी थ्री चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू थ्री ये रहा पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू टू तो वाई की, वै की वैल्यू थ्री ये रहा तीसरा दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू थ्री ये रहा तीसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू थ्री एक्स तो चौथा पॉइंट माइनस वन तो भी थ्री जीरो अगर मैं जीरो ले लू एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू अभी भी कितनी होगी थ्री मतलब अगर देखा जाए इन सारे पॉइंट को मिलाने पर क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है तो बना दीजिए और यह बात खूबसूरत रहेगी कि यह स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी दिस स्ट्रेट लाइन विल बी

आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो लेकिन वाई मेरे लिए वर्टिकल होता है ना ठीक है चलो गिव दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एक्स प्लस नाइन इजिक्वल टू जीरो तो टू एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो अब हमें इसमें वाई इंक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा प्लस वाई लिख लो तो 2x एक्स प्लस अब y के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो तो मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस नाइन बराबर जीरो यानी टू एक्स इजी सॉरी टू एक्स प्लस जीरो वाई बराबर माइनस नाइन अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई अब यहां पर देखने वाली बात ये है कि टू एक्स प्लस जीरो वाई तो यहां पर कितनी भी वैल्यू ले लो वाई की हमेशा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस नाइन बाई टू विच इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव देखो ध्यान से अगर टू एक्स की वैल्यू ले ले और जीरो वाई ले लें इज इक्वल टू नाइन अब एक्स की वैल्यू ले लो चलो एक काम करते हैं वाई की वैल्यू लेते हैं वाई और ये हो गया एक्स वाई की वैल्यू टू तो टू जीरो टू माइनस ऑफ फोर पॉइंट फिर ले लो, तो फिर ये भी कितना एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है माइनस फोर पॉइंट फाइव बना दो ग्राफ सिंगल के लिए क्या करना है एक एक्स एक्सिस बनानी है और यहां लेना है जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और ये दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस फोर पॉइंट फाइव ये आ गया भाई साहब फोर पॉइंट फाइव यहाँ पर आ गया सिंगल वेरिएबल के लिए यहां भी पूछ रहा है ना वो सिंगल वेरिएबल की ठीक है अब डबल वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे एक हो गया ये और एक हो गया ये ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव अब x की वैल्यू कितनी है माइनस फोर पॉइंट फाइव तो y की वैल्यू कितनी है टू जब y की वैल्यू टू पर तो ये हो गया वन हो गया टू गया वन योग की वैल्यू टू पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 .5, 3, 4, और 5, और ये ये बीच में कहीं आ रहा है तो x की वैल्यू ये आ गई ठीक है तो अच्छा सॉरी सॉरी माइनस फोर पॉइंट फाइव एक मिनट तो माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और यहां कहीं आएगा तो ये आ गई टू पर टू पर माइनस फोर पॉइंट फाइव फिर थ्री पर भी कितनी होगी माइनस फोर पॉइंट फाइव फोर पर भी कितनी होगी माइनस फोर पॉइंट फाइव फाइव पर भी कितनी होगी माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स पर भी माइनस फोर पॉइंट यहां पर जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगी एक और इसको कैसे लिखना? विच विल भी पैरल टू अब उल्टा हो गया पहले एक्स एक्सिस पर आया था अब पैरल टू वाई एक्सिस ठीक है यहां लिख लेना ग्राफ पूरा बनाया करो भाई जल्दी खटाखट बहुत शानदार तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो ऑन बोध देशन जब हमारा वेरिएबल वन हो या वेरिएगा जो कि पैरल वेरिएबल की बात करें तो एक्स एक्स पर एक पॉइंट आएगा समझ में आ गया आई होप यह समझ में आ गया एक्सरसाइज खत्म चैप्टर खत्म पैसा हजम और आई होप आप सभी को और आपको भी समझ में आ गया हो तो बस इस वीडियो को यही वाइंड अप करूंगा तब तक के लिए बढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला जय हिंद